आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। लगभग सभी घरों में काढ़ा पीने के महत्व को अब तो जान गए होंगे कोविड-19 के बाद। तो आज मैं आपके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस काढ़े को पीने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। ये काढ़ा पीने का सलाह प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को दिया है। तो इस काढ़े को पीने के बाद आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो मैं आपको चार लोगों के लिए काढ़ा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, यानी परिवार के चार सदस्य पी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने डाला है 3 कप पानी। आप स्टील के ग्लास से 3 ग्लास भी पानी डाल सकते हैं। एमएल में देखें तो 700 एमएल मैंने यहाँ पानी डाला है। फ्लेम को मीडियम कर दें और अब इसमें डाल दीजिए 1 टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है और ये सर्दी खांसी होने से भी बचाता है। अगर आपको हो गया है तो वो भी ये काढ़ा पीते पीते ठीक हो जाएगा, गले की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरीके से हम दालचीनी को तोड़ के डालेंगे। अब डालिए इसमें 4 लवंग यानी लौंग, तो ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको ये काढ़ा गरम गरम सिप लेते हुए धीरे धीरे पीना है। चाय वाले कप से 1 कप सुबह शाम पी ले तो बहुत बेहतर है, या फिर आप दिन में 1 बार भी पी सकते हैं। 2 हरी इलायची डालें, इस तरीके से खोल के डालें। 1 छोटा तेज पत्ता। तो पानी की मात्रा अधिक है, आपको लेना है 6 से 7 दाने काली मिर्च के और इस तरीके से कूट लीजिए। काली मिर्च पाउडर का भूल के भी इस्तेमाल ना करें, कूट के ही डालें ताकि आप छोटे बच्चों को भी दें तो उनके गले में ना लगे। अब इसमें डाल दीजिए 2 टुकड़ा यानी 2 टेबलस्पून गुड़ यानी जायकरी। अगर आप जायकरी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके बदले काला नमक डाल सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ। 2 इंच अदरक इस तरीके से कद्दूकस करके डालें। तो छोटे बच्चे को आप 4 चम्मच दें, शिशु को बिल्कुल भी ना दें। 1 साल से बड़े बच्चों को आप 1 चम्मच 2 चम्मच करके दे सकते हैं। हमें 2 इंच अदरक डाल देना है इस तरीके से कद्दूकस कर, ताकि अर्क बहुत ही बढ़िया से आए। हर कोई जानता है कि अदरक से भी इम्यूनिटी बढ़ती है और सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अदरक फायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी हर घर में हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल 1/2 छोटी चम्मच कर सकते हैं। हम इस तरीके से कद्दूकस करके डाल देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और हल्दी एंटीबायोटिक होता है और अदरक भी होता है, इसलिए काढ़ा में जरूर डालें। तो दोस्तों, बरसात के मौसम में तापमान ऊपर नीचे होता है, ठंडा गर्म मौसम होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी अपना रख रखाव ज़्यादा करें, बच्चों को बचा के रखें। इसलिए इस काढ़ा को नियमितता पिए, गले का हर प्रॉब्लम दूर होगा। सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द सिर का भारी होना वो दूर होगा। और एक और मैं आपको बात समझाते चलूँ, तो इसमें हमने जो भी सामग्री डाली है वो सारा डालना बहुत ज़रूरी है और सबसे खास तुलसी पत्ता डालना बिल्कुल ना भूले। तो तुलसी का पत्ता मैंने यहाँ पे 10 लिया है, छोटे पत्ते भी आते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने पानी से धो लिया है। तो तुलसी का पत्ता सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है और काढ़ा इसके बिना तो बिल्कुल अधूरा है। इस तरीके से तोड़ के डालें। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं बिना अजवाइन का ही ये काढ़ा बता रही हूँ क्योंकि बहुतों को खांसी नहीं है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े की विधि मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाला, लेकिन आप अजवाइन डाल सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि शरीर में बहुत गर्माहट आ जाएगी। अभी पीना बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अहम और ख़ास बात बताती चलूँ कि
गले का सिकाई करें। तो किस तरीके से सिकाई करें? आप काढ़ा बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तब आप ऐसा काम करें। आपको भाप लेना है, एक भाप का स्टीमर भी बाजार में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। मैं ऑनलाइन स्टीमर का लिंक दे दूंगी ताकि जिनको खरीदना हो वो खरीद सकते हैं, या फिर इमेज देख करके वो बाजार से भी परचेस कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से भाप लेना है, चेहरे को यहाँ सटा लीजिएगा और आपको इसका भाप लेना है। तो भाप लेने से अगर इतना सा भी आपको संक्रमण फील होता है कि हाँ मेरे गले में दर्द है, मुझे बार बार खराश आ रहा है, खांसी आ रहा है, वो सारा दूर हो जाएगा। तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पर कि हमें गर्म भाप लेना है। तो अगर आप इस काढ़े का भाप लेते हैं तो दुगना फायदा करेगा। अब अच्छे से काढ़ा में उबाल आ गया है, बहुत अच्छे से खौल रहा है, फ्लेम को कम कर दीजिए और स्टील के थाली से ढक दीजिए। हमें ढकते हुए लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए उबालना है ताकि जो भी हमने इसमें सामग्री डाली है उसका सारा अर्क अच्छे से पानी में आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसलिए यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया ताकि 1 कप हम उबालते उबालते सुखा लें और 2 कप पानी का हम इस्तेमाल करें। तो थाली या ढक्कन से ढक दीजिए और मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं काढ़ा सूख भी चुका है और जितना अर्क आना था आ चुका है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे हम छान लेंगे। तो चूल्हे से उतारने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से भाप ऊपर आ रहा है। तो आप चाहें तो स्टीम भी ले सकते हैं अगर आपके गले में इन्फेक्शन है। काढ़ा को मैं ग्लास में डालती हूँ। अगर आप इसमें शहद डालना चाहते हैं तो छानने के बाद ऊपर से डालें। मैं आपको छोटे ग्लास में भी निकाल के दिखाती हूँ। तो 1-2 साल के बच्चे को बस 4 चम्मच दें, जितना मैंने ग्लास में गिराया है अभी छाना है उतना ही दें। तो पूरे परिवार के सदस्य को रोज काढ़ा आप इस तरीके से बना के दे पिए तो स्वाद ऐसा है कि आप चाय पीना भूल जाइएगा। और जो काढ़ा बना करके हमारा मसाला बचा है उससे आप दूध की चाय बना सकते हैं, हमारा बहुत ही टेस्टी मसाला चाय बनके तैयार हो जाएगा। तो गर्मा गर्म पिए और आपको कितना फायदा हुआ सर्दी खांसी गले दर्द में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने घर का जायका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।